स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टूडा पॉइंट होम साइंस में। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर ऑब्ल्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, तो वैसे तो ये सिलेबस हमारे सभी का है, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो, यानी कि चाहे आप यूपी डीजीटी पीजीटी पढ़ रहे हो या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप क्लास में यानी कि आपका जो है एकेडमिक लेवल की पेपर हो, ठीक है, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। और ये इस समय जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, ये बी एस सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर आपका गृह विज्ञान का नाम है आवास एवं सतत शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, और ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि कहीं नहीं जाने वाला, इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो टीजीटी पीजीटी में आपसे सीधे पूछ लेता है प्रसार शिक्षा क्या है, ठीक है, तो उसको आपको बताना होता है। और आप लोगों को ये मैं बोलूं कि आप लोग सोचते हो एक छोटे यूट्यूबर है, व्यू नहीं है तो क्या ही पढ़ाएंगे, ये सोचकर आप लोग क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो। तो लोग कहते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान को जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो एक बार पढ़ के देखिए आप लोग, ओके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ओके, और साथ में कमेंट करिएगा। तो ये आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने क्या लिया है, प्रसार शिक्षा क्या है, ओके, प्रसार शिक्षा का अर्थ। यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी पीजीटी की बात करें तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनता है प्रसार शिक्षा क्या है, आपको बताना होता है। प्रसार शिक्षा एक सतत शिक्षा है, प्रसार शिक्षा एक विद्यालय शिक्षा से बाहर की शिक्षा है, प्रसार शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा है, ओके। तो प्रसार शिक्षा क्या है, तो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है, यानी कि ये स्कूल के विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, प्लस ये आपकी एक सतत चलने वाली शिक्षा है, ये जीवन प्रति चलने वाली शिक्षा होती है। ये प्रसार शिक्षा क्या होती है, आपको कोई डिग्री नहीं प्रदान करती है, ओके, कोई डिग्री नहीं प्रदान करती, बस सिर्फ और सिर्फ आपके जो कार्य कौशल होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने में आपको सहायता प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे उपयोग होता है, तो इसे ग्रामीण शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण शिक्षा के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि शहर में इसकी ज़रूरत नहीं है, शहर में भी इसकी ज़रूरत है, शहर में भी इसकी शिक्षा दी जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रामीणों को शिक्षा दी जाती है, ओके। तो प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, प्रसार शिक्षा आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला आपका प्रसार जिसे एक्सटेंशन कहते हैं, दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आपका शिक्षा जिसे एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि आपका एक्सटेंशन और एजुकेशन होता है। अब अगर एक्सटेंशन की बात कर ले, तो एक्सटेंशन अंग्रेजी शब्द है एक्सटेंशन, उसका हिंदी रूपांतर है क्या है, तो उसका हिंदी रूपांतर होता है। अगर एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन शब्द कहाँ से लिया गया है, ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सटेंशन शब्द किस भाषा का है, तो आपको बताना है एक्सटेंशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों से ये भी मिलकर बना है, इट्स और दूसरा जो है टेंसियो, इससे इट्स और टेंसियो। अब अगर बात करते हैं इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अगर हम लोग बात करें, इट्स जो है इसका अर्थ होता है आउट, क्या होता है आउट यानी बाहर, इट्स का मतलब क्या हो गया आपका आउट यानी बाहर, बाहर कहने का मतलब कि बाहर शिक्षा देना, ओके। टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना, क्या होता है टेंसियो का अर्थ, तो ये फैलाना होता है, विस्तार करना कह सकते हैं या विस्तृत करना कह सकते हैं, तो टेंसियो का अर्थ आपका फैलाना, विस्तार करना, विस्तृत करना होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, इट्स दूसरा जो है टेंसियो, इट्स का मतलब होता है आउट और टेंसियो का मतलब होता है बाहर, तो क्या हो गया बाहर शिक्षा, बाहर को फैलाना, ठीक, क्या हो गया बाहर शिक्षा फैलाना या शिक्षा को बाहर फैलाना, इसका अर्थ होता है ये जो है विस्तार करना, फैलाना, ओके। और अगर हम इसके आगे बात कर लेते हैं, तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा वह शिक्षा होती है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान के सीमाओं से बाहर युवाओं कोड़ों को दी जाती है,
ठीक क्या कहा गया, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रसार शिक्षा क्या है, ये विद्यालय की बाहर की शिक्षा है। विद्यालय की बाहर यानी कोई भी सुव्यवस्थित, हमारा विद्यालय क्या होता है, विद्यालय में एक पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, एक टाइम टेबल होता है जिसके अनुसार हमें पढ़ना होता है। लेकिन प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है, ना ही इसमें कोई आपका पास जो है विषय कर्म होगा, ना आपका कोई एक सिलेबस होगा, इसमें कुछ भी नहीं होता, ना कोई नियम होता है, ना कोई कहते हैं समय होता है। ये परिस्थिति के अनुसार किसी भी समय इसकी शिक्षा दी जा सकती है। ये गत्यात्मक होता है, लचीला होता है, आप अपने हिसाब इसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब इसको पढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये प्रौढ़ों को यानी जो युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, उनको दी जाने वाली एक शिक्षा होती है, जिसमें जिसमें क्या होता है, देखिए यह शिक्षा गत्यात्मक तथा लचीली होती है, इसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब आप ग्रामीण में गए शिक्षा देने, ग्रामीण लोग क्या होता है सुबह शाम काम करते हैं, उनसे आप दोपहर में मिलकर भी आइए शिक्षा दे सकते हैं, रात में भी शिक्षा दे सकते हैं, खेत में भी जाके आप शिक्षा दे सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से गत्यात्मक और लचीली होती है, आप इसको किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अगर इसके और आगे की बात कर लेते हैं हम, तो जो मुख्य रूप से ये किसको दी जाती है, तो ये जो एक कृषक होते हैं उसे देते हैं, जो एक पशुपालक होते हैं उनको दी जाती है कि किस तरीके से आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जो दूध उत्पादक होते हैं उनको दी जाती है, महिलाओं को दी जाती है, सॉरी मालियों को दी जाती है, और आपकी गृहिणी जो होती है उनको दिया जाता है कि आप अपने पार्ट टाइम में कौन कौन सा ऐसा जो है कार्य करके अपने जो आर्थिक आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हो। तथा देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों का बहुत बार पूछा गया है, साथ ही ये विद्यालय जो विद्यालय नहीं जाते, विद्यालय जाना छोड़ देते हैं, उनको प्रसार शिक्षा दी जाती है। ओके, तो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया है, हमने सिर्फ आपको इतना बताया कि प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि प्रसार शिक्षा का अर्थ और परिभाषा बताइए। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आज इस वाले वीडियो में प्रसार शिक्षा का अर्थ बताया है, परिभाषा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते इसलिए। तो प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, आपका प्रसार प्लस शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन से मिलकर बना है। एक्सटेंशन शब्द आपके जो अंग्रेजी शब्द है उसका हिंदी रूपांतर है। ओके, और ये किससे लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा का एक्सटेंशन शब्द है, जो कि ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, तो आपका इट्स पता, दूसरा टेंसियो। इट्स का मतलब होता है आउट यानी बाहर, टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना यानी स्पेस, ठीक, उसके बाद विस्तार करना, फैलाना, ठीक है, विस्तृत करना, ये टेंसियो का अर्थ होता है। ये कैसा शिक्षा है, तो ये वो शिक्षा होती है जो विद्यालय या कोई भी सुव्यवस्थित संस्था के सीमाओं के बाहर की शिक्षा होती है। ओके, तो आई होप आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक नोट बना लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप अपने जो है प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं उसे लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, आई होप आप लोग के लिए आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसका, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्या, तो प्रसार शिक्षा की परिभाषा, जो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।